नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्प्रेशन मेंबर के इस थर्ड लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक स्टिल स्ट्रक्चर का, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाला इंपॉर्टेंट। और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कंप्रेशन मेंबर के स्टार्टिंग के प्रीवियस के दो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और सबसे पहले वो दो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर देखिए। थर्ड लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका भटका तो आपका टॉपिक छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा अटेंशन दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और जैसा कि आप जानते हो कि RCC भी हमारा पैरेलल में चल रहा है, तो उसका भी आपको आई बटन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आई बटन ऊपर का चेक कीजिए, उसमें लेक्चर्स दिए हुए हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी वक्त जाए के मैं आप सभी मैं शुरू करता हूँ थर्ड लेक्चर कॉम्प्रेशन मेंबर का। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था इफेक्टिव लेंथ के बारे में, इफेक्टिव लेंथ कॉलम का। कॉलम एज अ कंप्रेशन मेंबर आप स्ट्रट में देखते हो, मतलब आप ट्रस में देखते हो, उसके बाद फिर वही कॉलम आप फ्रेम में भी देखते हो। तो कॉलम का इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अब और थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था कि आपका कॉलम में कॉलम जो होता है एक एंगल सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है, तो उनमें से ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो एंगल सेक्शन के बारे में मैंने पूरा कवर किया था कि एंगल सेक्शन हम क्यों नहीं यूज़ करते, या फिर एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम बॉक्स टाइप में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। इस लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत वो पार्ट रह गया, तो वो पार्ट को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, और कुछ नए टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसी के साथ शुरू करता हूँ थर्ड लेक्चर। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दिस मोस्ट प्रेफरेबल सेक्शन फॉर लॉन्ग कॉम्प्रेसिव मेंबर इज़ ISHB। आपको पता होगा जिन्होंने मेरा यूनिट 1 देखा है स्टील स्ट्रक्चर का, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि ISHB क्या रोल प्ले करता है। आई सेक्शन, ये एक आई सेक्शन है जो एज अ कॉलम डिज़ाइन होता है, एज अ बीम डिज़ाइन नहीं होता, वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल सेक्शन और विच कैन बी यूज एज अ कॉम्प्रेसिव मेंबर, तो आप आंसर दीजिएगा आई सेक्शन। एंगल सेक्शन भी यूज़ होता है, बट इट इज़ यूज इन बॉक्स, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी इसके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद है एंगल सेक्शन इज़ यूज फॉर स्मॉल लेंथ। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ें आप देखने मिलेंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, एंगल सेक्शन इज़ यूज फॉर स्मॉल लेंथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंगल एंगल सेक्शन आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंगल सेक्शन इज़ यूज ओनली फॉर स्मॉल लेंथ। लेकिन अगर आप एंगल सेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बैक टू बैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टार पैटर्न बोला जाता है, या फिर बॉक्स पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो। और स्टार पैटर्न और बॉक्स पैटर्न दोनों ही आइडियल सेक्शन है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। आपको पूछ सकता है कि विच इज़ द आइडियल सेक्शन इन केस ऑफ एंगल सेक्शन। सो स्टार पैटर्न एंड बॉक्स पैटर्न इज द एंगल सेक्शन विच इज आइडियल सेक्शन, एंड दिस बोथ ऑफ दिस स्टार पैटर्न एंड बॉक्स पैटर्न इज हैविंग इक्वल रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये एक आइडियल सेक्शन है स्टार पैटर्न और बॉक्स पैटर्न इन केस ऑफ एंगल सेक्शन, ये दोनों ही आइडियल सेक्शन है। वाई? बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों का सेम है। और मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी कॉम्प्रेसिव मेंबर को ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसमें उसका स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा तो ही स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा। वाई? बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द फॉर्मूला कि लैम्बडा जो होता है वो आई अपॉन आर होता है, और जो आर होता है वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, एल अपॉन आर होता है, आर नॉट आई अपॉन आर। उसके बाद ये डिस्कस कर लिया मैंने आई सेक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत बता दिया आपको। अब चैनल सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैनल सेक्शन में देखिए, चैनल सेक्शन एंड आई सेक्शन बोथ आर गुड इन कंपैरिजन टू एंगल सेक्शन, बट अगर आप मुझे पूछेंगे तीनों में अच्छा कौन सा है, तो आई सेक्शन अच्छा है। उसके बाद ये चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन में ये आप देख रहे हो बैक टू बैक, और ये देख रहे हो आप फेस टू फेस। ये सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको रेलवे में देखने मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक पे, जो किसी भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। मेंबर्स विच आर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड। कोई ऐसा कॉम्प्रेसिव मेंबर है जिस पे खाली खाली और खाली डेड और लाइव लोड लग रहा है, तो उस केस में उसका लैम्बडा 180 होता है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 स्टार मार्क करके ले लो। जो सेकंड है वो है इफ़ मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड। अगर कोई मेंबर आप डिज़ाइन कर रहे हो एज अ कॉम्प्रेसिव, बट वहाँ पर उसका जो लोड लग रहा है वो लाइव और डेड नहीं लग रहा है, विंड एंड अर्थक्वेक लोड लग रहा है, तो उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो आप 250 रखोगे,
इतना तो आपको रखना ही है। और तीसरा है फ्लांज ऑफ बीम रेजिस्टेंट अगेंस्ट टॉर्जनल बकलिंग। टॉर्जनल बकलिंग क्या होता है मैं जस्ट इसके बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है कि जो आपका आई सेक्शन होता है, आई इस तरीके से जो आई सेक्शन आप देखते हो, उस आई सेक्शन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लांज, दूसरा होता है वेब। टॉर्जनल बकलिंग का मतलब है इस पर जब ज़्यादा लोड आ जाता है या एक्सेंट्रिसिटी लोड के वजह से जब इसके अंदर बकलिंग होता है तो इसका जो फ्लांज सेक्शन है ये वाला ऊपर का पार्ट मुड़ जाता है। मुड़ने के वजह से मुड़ने वाली चीज़ को ही बोला जाता है टॉर्जन, तो वो जो बकलिंग होती है उसको बोला जाता है टॉर्जनल बकलिंग। और ख़ासकर फ्लांज जो होता है आई सेक्शन में जो फ्लांज का पार्ट होता है दैट गेट बकल्ड विच इज़ कॉल्ड एज टॉर्जनल बकलिंग। तो फ्लांज ऑफ बीम जो रेजिस्ट करता है टॉर्जनल बकलिंग में, उसका अगर आप लैम्बडा अगर देखोगे तो लैम्बडा 300 होता है, इतना तो आपको लेके चलना ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक था, नहीं मतलब ये टिपिकल टॉपिक नहीं, ये थोड़ा बहुत मतलब उसका ही आगे का पार्ट था जो मैंने पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा बताता था, लेकिन इस केस में मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा बकलिंग, और बकलिंग के बाद मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं आपको इसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, तो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा बकलिंग। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, बकलिंग ऑफ कॉलम। देखिए बकलिंग एक फेलियर है कॉलम का, समझ लो, जब लोड लगता है तो बकलिंग होता है। जिस तरीके से बीम पे जब लोड लगता है तो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसी तरीके से कॉलम में जब डिफ्लेक्शन होता है लोड लगने के बाद उसको बकलिंग बोलते हैं। और बकलिंग जो होता है वो दो एक्सिस पे लगता है, मतलब जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उस एक्सिस पे लगता है, या फिर एक्स एक्स या फिर वाई वाई, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, जैसे कि मैंने आपको आरसीसी में भी एक्सप्लेन किया, स्टील में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो बकलिंग कॉलम में टोटल चार टाइप से होती है, ध्यान दो, एक होती है लोकल बकलिंग, दूसरी होती है फ्लेक्चरल बकलिंग, तीसरी होती है टॉर्जनल बकलिंग, चौथी है टॉर्जनल फ्लेक्चर बेंडिंग बकलिंग। यहाँ पे बकलिंग आएगा, मैंने बेंडिंग लिखा है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, फ्लेक्चर बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग, टॉर्जनल फ्लेक्चर बकलिंग, ये तीनों के तीनों जो फेलियर है बकलिंग है ये कॉलम के थ्रू आउट लेंथ पे लगते हैं। वेयर एज लोकल बकलिंग जो होता है वो कॉलम के किसी, मतलब कॉलम आप समझ रहे हो, अगर आई सेक्शन है, लेट्स से आई एम यूजिंग आई सेक्शन, तो आई सेक्शन का थ्रू आउट लेंथ पे लोकल बकलिंग नहीं लगेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, कहीं पर भी उसके लेंथ के किसी भी पॉइंट पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि फ्लांज मुड़ जाए, या थोड़ा बहुत हो सकता है वेब मुड़ जाए। आप समझ रहे हो, कुछ इरेक्शन लोड होते हैं, कुछ एक्सीडेंटल लोड होते हैं, जिसके चलते थोड़ा बहुत फ्लांज में या वेब में आपको थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन या बकलिंग देखने को मिल जाए। तो लोकल बकलिंग जो है वो आपके कॉलम के थ्रू आउट लेंथ पे नहीं लगता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लगता है। वेयर एज दिस थ्री फेलियर या दिस थ्री बकलिंग, ये तीनों के तीनों कॉलम के थ्रू आउट सेक्शन पे लगते हैं, थ्रू आउट लेंथ पे लगते हैं, फ्लेक्चर टॉर्जनल एंड टॉर्जनल फ्लेक्चर बेनेट। लोकल बकलिंग में मतलब क्या होता है, तो लोकल बकलिंग यहाँ लिखा है कि मैंने लोकल बकलिंग टेक प्लेस एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ कॉलम, फ्लेक्चरल ऑरिजिनल टॉर्जनल फ्लेक्चर बेंडिंग बकलिंग टेक प्लेस अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ कॉलम। और ये भी लिखा हुआ है कि ये टॉर्जनल बकलिंग जो है आपको मेनली रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन में देखने मिलेगा जो रेलवे में इस्तेमाल होता है। और एक और पॉइंट है जो मैं भूल रहा हूँ शायद एक्सप्लेन करने के लिए, चलो याद आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, छोटा टॉपिक है और इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस एक पार्ट है छोटा सा, इसलिए मैंने आपको ज़रूरी समझा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ IS 800 1984, जो IS 800 2007 के पहले का कोड है, उसके नॉर्म्स देखिए क्या है। और इसके बाद जब IS 800 2007 आया तो वो क्या नया नॉर्म्स लेके आया, जिसके चलते देखिए मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, या एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आएगा जिसमें आपको डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव लोड पूछा जाएगा, और किस तरीके से आप कॉलम का डिज़ाइन करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स लेके करोगे, क्यों आए, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, आप ध्यान देना। सबसे पहले देखते हैं कि आईएस कोड 800 1984 में क्या ऐसा दिया था, क्या ऐसा दिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें मुझे रिजेक्ट करनी पड़ी, ये मैं रिजेक्ट करूँगा कुछ देर के बाद आपको समझाने के बाद। सबसे पहले है आपका IS 800 1984 में शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, ये तीन टाइप के कॉलम होते हैं, और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसकी सेंट्रेंस रेशो डिस्कस किया है, इसकी फेलियर डिस्कस किए हैं, इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट कॉलम में जिस तरीके की फेलियर होती है वो होती है क्रशिंग प्लस शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ, जिसमें बकलिंग नहीं होती है, इसमें क्रशिंग होती है बाद में शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ होती है। इंटरमीडिएट कॉलम में बकलिंग होती है, लेकिन जो बकलिंग होती है वो कौन से टाइप की होती है, इन इलास्टिक बकलिंग होती है।
लॉन्ग कॉलम में जो आपका फेलियर होता है वो इलास्टिक टाइप का फेलियर होता है। तो ये सारी चीज़ें फेलियर मैंने आपसे डिस्कस किए, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अब क्या है कि IS 800/1984 क्या बोलता है कि ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हो, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इन तीनों को जब ये लोड लगता है, जब एक पर्टिकुलर कॉलम पे लोड लगता है, तो उस लोड को रेजिस्ट करने वाला जो कॉलम होता है वो अपने अंदर क्रिटिकल स्ट्रेस डेवलप करता है, जिसको डिनोट किया जाता है FCR से, और FCR को बोलते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस। और देखिए, क्रिटिकल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है, देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन खाते हैं, आप ध्यान देना, मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका आई सेक्शन है, आपने इसके ऊपर लोड लगाया। लोड लगाने के बाद जिस लोड पे जस्ट डिफ्लेक्शन शुरू हुआ है, और उस लोड के वजह से मटेरियल अपने अंदर जो स्ट्रेस डेवलप करता है उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए, उस स्ट्रेस को बोलाता है क्रिटिकल स्ट्रेस। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का स्ट्रेस है जब आप उसके ऊपर लोड लगाते हो, एक्सियल लोड लगाते हो, ठीक है। तो क्रिटिकल स्ट्रेस ये स्ट्रेस है जो मटेरियल अपने अंदर डेवलप करता है जस्ट डिफ्लेक्शन शुरू हुआ हो लोड की वजह से, जस्ट मुड़ना शुरू हुआ हो, थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पोजिशन से हिला हो, तो वो जो स्ट्रेस डेवलप करता है अपने अंदर उसको बोलते हैं FCR। और FCR के तीन अलग अलग फार्मूले दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम के। सबसे पहला फार्मूला शॉर्ट कॉलम का दिया हुआ है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, इसको यूलर्स फार्मूला भी बोला जाता है। और ये फार्मूला तभी यूज़ करते हो जब आपका स्लेंडरनेस रेशियो 88.96 या फिर 90 से बड़ा है। FCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इसमें ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। ये यूलर्स फार्मूला है, और ये फार्मूला तभी आप अप्लाई करते हो जब स्लेंडरनेस रेशियो 88.96 या फिर 90 से बड़ा हो तभी। अब इंटरमीडिएट कॉलम पे आइए, आप बकलिंग इसमें इनइलास्टिक टाइप की होती है, और इसके अंदर जो फार्मूला उसने दिया हुआ है वो FY-FY² अपॉन 4π² ब्रैकेट KL अपॉन R। देखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा फार्मूला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है एक्सप्लेन करना, और मैं कुछ देर के बाद इसको रिजेक्ट भी करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो आपको थोड़ी देर में बस बताता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो FCR इज इक्वल टू ये जो फार्मूला है वो टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें FY क्या है, एल स्ट्रेस है, ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है, ये इफेक्टिव लेंथ फैक्टर क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, R क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में जो फार्मूला उसने दिया है, किसने दिया है, IS कोड 800/1984 ने, रैंकिन्स मर्चेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला आप तब यूज़ करते हो जब आपका लैम्बडा 88.96 या 90 से कम है, तो जब बड़ा है तो आपको यूलर्स फार्मूला पे जाना पड़ेगा जो शॉर्ट कॉलम के लिए उसने दिया हुआ है, अगर कम है तो आप इलास्टिक कॉलम जो कि रैंकिन्स मर्चेंट है जिसने जो फार्मूला उसने दिया वो आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे। फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू FE into FY डिवाइड बाई FE^n प्लस FE^n द होल ब्रैकेट (1) अपॉन n, और इसमें जो FE है वो है यूलर्स फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हो। और किसी किसी बुक में जो आपका FE है, अब वो IS 800 2000 में 7 आने के बाद ये FE FCC से रिप्लेस हो चुका है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन खा सकते हैं कि FCC नया टर्म है क्या, नहीं, FCC नया टर्म नहीं है, जो FE है उसी को उसने अपडेट करके नए कोड में FCC किया है। FE का मतलब ही FCC है, और FE का जो फार्मूला है वही उसने यूलर्स फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ तक सब कुछ आपका IS 800/1984 ही है, FCC बस आ गया एक नया टर्म जो IS 800/2007 ने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो FE है वो आपका एक्चुअल लोड है, FI आपका यील्ड स्ट्रेस है, N क्या है, N एक कांस्टेंट है जो 1 से 3 के बीच में होता है, नॉर्मली हम N को 1.4 लेके चलते हैं। तो ये कहानियाँ हैं, अब ध्यान से देखो जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। IS 800/1984 ने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारे फार्मूला लिखे हुए हैं, उसके अंदर उसने कॉम्प्रेसिव मेंबर को एक आइडियल कॉम्प्रेसिव मेंबर की तरह डिज़ाइन करके या उसको समझ के बूझ के उसने ये सारे फार्मूले दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमारा कॉम्प्रेसिव मेंबर कभी भी आइडियल नहीं हो सकता। आइडियल का मतलब उसने उसके अंदर इम्परफेक्शन एज्यूम नहीं किया है, उसने कंसिडर नहीं किया। किसने? IS 800/1984 ने। क्यों नहीं कंसिडर किया? देखिए, क्योंकि उसने आइडियल कॉम्प्रेसिव मेंबर सबसे पहले एज्यूम करके लिया, और उसके बेस पे उसने ये सारे क्रिटिकल स्ट्रेस के फॉर्मूले दिए तीनों कॉलम के, तीनों डिफरेंट कॉलम के टाइप्स के, और डिफरेंट फॉर्मूले उसने दिया। किसने दिया? IS 800/1984। और IS 800/2007 जब अपडेट हुआ 2007 में, तो उसने क्या बोला कि मैं आपको सिर्फ एक ही फार्मूला दूंगा, चाहे कोई भी कॉलम यूज़ करो,
लेकिन मैं उसके अंदर इम्परफेक्शन एज्यूम करूँगा। देखिए इम्परफेक्शन का मतलब क्या है कि आपका कॉम्प्रेसिव मेंबर ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा का पूरा स्ट्रेट हो अलॉन्ग इट्स लेंथ। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेब मुड़ा होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं फ्लांज मुड़ा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में दिक्कत आपको देखने मिलेगी, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री अपने पोजीशन से हिला ज़रूर होगा। तो IS 800 1984 ने इम्परफेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया। IS 800 2007 ने इम्परफेक्शन को अपने दायरे में लिया, जो कि एक पार्ट है कॉम्प्रेसिव मेंबर का, जिसमें अंदर इम्परफेक्शन होना ही है, जिसके अंदर ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस होना ही है। अरे 2 mm या 4 mm होना तो होना ही है, इसने तो कुछ भी नहीं लिया, जिसके चलते ये फॉर्मूला सारा का सारा रिजेक्ट हो जाता है क्रिटिकल स्ट्रेस का। ये पूरी कहानी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि IS 800 2007 ने इम्परफेक्शन को कंसीडर किया, जो कंसीडर करना चाहिए एज पर डिज़ाइनिंग, और बेस ऑन दैट इम्परफेक्शन उसने चार कैटेगरी दिया, चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का दिया। हम वो चारों कैटेगरी ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। अब देखिए एज पर IS 800 2007 क्या है, उसने डिफरेंट फार्मूला दिया हुआ है बेस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेस। सो डिफरेंट फार्मूला बेस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेस वॉज गिवन बाई IS 800 1984, जैसा कि आपने तीनों फार्मूला देखा जस्ट अभी, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग, ठीक है। बट IS 800 1984 डिड नॉट कंसिडर इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर कॉम्प्रेसिव मेंबर। वाई? बिकॉज ही अज्यूम कॉलम एज आइडल कॉम्प्रेसिव मेंबर। सो IS 800 2007 वेन केम इन टू रोल, इट गेव सिंगल फार्मूला फॉर कॉम्प्रेसिव मेंबर कंसिडरिंग इम्परफेक्शन, एंड बेस ऑन दैट इट डिवाइडेड कॉलम इन टू फोर कैटेगरीज। चार तरीके के कैटेगरी उसने दिए डिफरेंट बेस ऑन इम्परफेक्शन, देखेंगे ध्यान से। ड्यू टू द इम्परफेक्शन, अभी देखिए जब ज्योमेट्री में चेंज होता है, देखिए कभी भी कोई भी कॉम्प्रेसिव मेंबर आपका स्ट्रेट नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा, चाहे मुड़ा रहेगा, चाहे कहीं से उसका बकलिंग हुआ रहेगा, कहीं से शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिलेगा ही मिलेगा। और अगर किसी कॉम्प्रेसिव मेंबर में अगर आपने लोड लगाया जिसके अंदर इम्परफेक्शन है, वैसे वो इम्परफेक्शन ही रहेगा, तो उसके अंदर मटेरियल स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पाता, मटेरियल का स्ट्रेस कम हो जाता है। मटेरियल का स्ट्रेस यानी कि जब आप लोड किसी चीज़ के ऊपर लगाओगे तो जो झेलने की ताकत है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस गेट रेड्यूस। तो ड्यू टू द इम्परफेक्शन स्ट्रेस गेट रेड्यूस, ड्यू टू विच वन फैक्टर इज डेवलप, और उस फैक्टर को नाम दिया है IS 800 2007 ने स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है एक्स से। अब एक एक करके नए नए टर्म्स आपको देखने मिलेंगे टेढ़े मेढ़े, ध्यान देखना, ध्यान भटका तो आपका टॉपिक छूट जाएगा, ध्यान से देखो। उसने क्या फॉर्मूला दिया है IS 800 2007 ने, FCD इज इक्वल टू FY/γMO, γMO यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल इन यील्डिंग, बराबर डिवाइडेड बाय फाई, ये फाई क्या है एक्सप्लेन करता हूँ, प्लस अंडर रूट फाई स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा स्लेंडरनेस रेशियो नहीं है, यहाँ पे लैम्बडा आपका नॉन इफेक्टिव स्लेंडर रेशियो है, बहुत ही अलग है। और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट FY/FCC। FCC क्या है ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। IS 800 1984 ने इसी FCC को उसने FCE से डिनोट किया, लेकिन अब IS 800 2007 जब रोल में आया तो उसने FE को रिप्लेस किया FCC से। इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। FY क्या है, आपका यील्ड स्ट्रेस है, γMO पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। फाई का ये टिपिकल फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, 0.5 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट लैम्बडा माइनस 0.2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अल्फा जो है ये आपका इम्परफेक्शन फैक्टर है, लैम्बडा आपका नॉन इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, जो लेक्चर मेरा देख रहे हैं इस समय, उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलने वाला इस फॉर्मूले में, फाइव इक्वल टू 0.5। बहुत सारी किताब में इसका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है और लोग आपको भटकाएंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ वहाँ से ढूंढ के इस फॉर्मूले को तैयार किया है, इस फॉर्मूले को ढूंढा है, और इस फॉर्मूले में देखो आप हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस का बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो कितना टिपिकल टॉपिक है ये, और ये वो टॉपिक है जो लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, और यही वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और यही वो टॉपिक है जहाँ पर लोग मिस्टेक भी कर देते हैं फॉर्मूला में। एक बार आपका प्लस से माइनस हुआ या माइनस का प्लस हुआ, आपका सारा का सारा जो भी न्यूमेरिकल है पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो मैंने तैयार किया है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखो और उसको समझो आप। FCD का मतलब है डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ कॉलम, FY आप जानते हो यील्ड स्ट्रेस, γMO आप जानते हो क्या है, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाय जो है उसका ये फॉर्मूला, एक्चुअली फाय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसी फॉर्मूले को मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसी कंप्लीट फॉर्मूले को मैंने फाय से रिप्रेजेंट किया, दैट्स इट।
और उसके बाद लैम्बडा आपका क्या है, नॉन इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट एफ वाई अपॉन एफ सी सी। उसके बाद अल्फा जो है आपका इम्परफेक्शन फैक्टर है, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हो, एंड यही इम्परफेक्शन फैक्टर है जो आई एस 800 2007 ने अपने अंदर लिया, इसे एज्यूम किया, इसे कंसिडर किया, और इसके बेस पे ही उसने डिफरेंट डिफरेंट चार कैटेगरीज दिए। वो चारों कैटेगरीज में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन मतलब इसके पीछे एक नोट है, नोट मैं आपसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये देखो, डिज़ाइन लोड ऑन कॉलम, अगर आपके पास ये देखिए, ये स्ट्रेस है, ये डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ कॉलम है जिसका फॉर्मूला उसने दिया हुआ है 2007 में। अगर आपको स्ट्रेस आपको दिया, अगर आपको आपको अगर लोड निकालना है कि कॉलम पे लोड क्या है, डिज़ाइन लोड, तो यार आप जानते हो कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालोगे कैसे, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एफ सी डी इनटू ए, और ए क्या है, सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। अब नोट देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन मेंबर इज 0.6 एफ वाई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन निकलता है। लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इन कॉम्प्रेसिव मेंबर इज 0.65 एफ वाई, और ट्रस्ट में ये फार्मूला जो है ये आई एस 800 1984 के अकॉर्डिंग है। जब आपने कॉलम के ऊपर लोड लगाया, कॉलम देखो स्ट्रेस डेवलप होगा कॉलम में बराबर, जो स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, वाई बिकॉज यू हैव डायरेक्टली अप्लाइड लोड विच इज एक्सियल लोड, बेस्ड ऑन दैट एक्सियल लोड डायरेक्ट स्ट्रेस हैज डेवलप इन दैट कॉलम एंड कॉलम इज योर कॉम्प्रेसिव मेंबर, तो जो मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस है ड्यू टू द एक्सियल लोड डेवलप हुआ है वो 0.6 एफ वाई है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो फटाफट चार कैटेगरीज देखेंगे इम्परफेक्शन फैक्टर के, जो आई एस 800 2007 ने हमें दिए हैं या जो बताया है उसने, ठीक है। चार कैटेगरीज आप देख सकते हो अल्फा के, जो आई एस 800 2007 ने दिया है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप इस ज्योमेट्री को समझो, एक पर्टिकुलर आई सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इस आई सेक्शन का ये थिकनेस ऑफ फ्लांज है, ये विड्थ ऑफ फ्लांज है, ये ओवरऑल हाइट ऑफ फ्लांज, ओवरऑल हाइट ऑफ सेक्शन है, ये थिकनेस ऑफ वेब है, और जैसा कि आप देख सकते हो एक एक्सिस अलॉन्ग दिस, जिसको जेड एक्सिस बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल एक्सिस वाई वाई, ठीक है। आपको ये समझ गया, अल्फा के वैल्यूज़ पे, अल्फा आप जानते हो इम्परफेक्शन फैक्टर, और अल्फा के वजह से ही ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन अगर किसी कॉलम में है तो वो क्यों है, इम्परफेक्शन फैक्टर की वजह से है, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ इम्परफेक्शन फैक्टर के अलग अलग के वैल्यूज़ के हिसाब से कॉलम को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। जब अल्फ़ा की वैल्यू 0.21 है तो कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए का मतलब माइनर इम्परफेक्शन है, माइनर इम्परफेक्शन है कॉलम में। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.34 है तो कैटेगरी बी है कॉलम की, जो कि मीडियम इम्परफेक्शन है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.49 है तो कैटेगरी सी है, जिसमें लॉट्स ऑफ इम्परफेक्शन है, यानी कि लॉट्स ऑफ ज्योमेट्री में गड़बड़ है। अगर अल्फ़ा 0.76 है तो कैटेगरी डी है, जिसमें मैक्सिमम इम्परफेक्शन है, इतना इम्परफेक्शन कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आपका चैनल सेक्शन, ये आपका आई सेक्शन है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि ये कैटेगरी ए में आ रहा है, कैटेगरी बी में आ रहा है, कैटेगरी सी में आ रहा है, कैटेगरी डी में आ रहा है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैंने आपके सामने ये वाला डायग्राम अगर दे दिया, मैं आपको पूछूं कि ये डायग्राम अगर ISHB 300 का है, ISHB 300, तो मुझे बताइए कि ISHB 300 जो है, और मैं ISHB 300 अगर एक बार दे दूं, तो आप उसका पूरा डिटेल निकाल लोगे, आप थिकनेस ऑफ फ्लांज कितना होता है, विड्थ ऑफ फ्लांज कितना होता है, ओवरऑल हाइट 300 ही है, थिकनेस ऑफ वेब कितना होता है, ये सारी चीज़ आप निकाल लोगे। अगर लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि आप मुझे बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला हुआ है, कुछ है जो आपको करना है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, जिसके चलते आप एक पर्टिकुलर आई सेक्शन को उसके कैटेगरी में डाल सकते हो, चाहे वो कैटेगरी ए में है, या चाहे कैटेगरी बी में, चाहे कैटेगरी सी में, या चाहे कैटेगरी डी में, ठीक है। अभी ध्यान दो, अगर आपका रेशियो एच अपॉन बी एफ यानी कि ओवरऑल हाइट ऑफ दिस सेक्शन डिवाइड बाई विड्थ ऑफ फ्लांज अगर 1.2 से बड़ा है, तो थिकनेस ऑफ फ्लांज जो है, देखो वापस से देखो आप दोस्तों, मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ,